हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करता हूँ आप सब मजे में होंगे। तो गाइस, फाइनली एक और नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। देखो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा बेसिक होने वाला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप काइट फाइटिंग वगैरह करते हो और काइट भी फ्लाई करते हो तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा इंस्टा का DM भर चुका था भाई, इतने मैसेज आ रहे थे कि काइट में कन्ने कैसे बांधें। और जो लोग भी आप बोलते हो, बेसिकली कन्ने जो हम बांधते हैं वो जो होते हैं काइट नॉट्स। तो मैं आज आपको स्टेप बाई एक एक करके बताऊंगा कि कैसे बांधे जाते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू, एंड वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छा सरप्राइज होने वाला है आप लोगों के लिए, तो देखते जाओ। तो गाइस, कन्ने बांधना सिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक बहुत तगड़ी न्यूज़। हमारा अपना ब्रांड काइटेज्म के नाम से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि गाइज मेरे पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई हम पतंग कहाँ से लें, हमें अच्छी पतंगें नहीं मिलती हैं, आप कोई शॉप रिकमेंड करो। तो यहाँ मेरे एरिया में ऐसी मुझे कोई शॉप नहीं मिली जो इस लेवल की पतंगें बेच रहे हो जो मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर पाऊँ। तो गाइज, इसी के चलते मैं बहुत टाइम से सोच रहा था क्यों ना कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर आप लोग बिल्कुल ट्रस्टेड तरीके से काइट्स वगैरह खरीद सकें। मैं भी अपनी काइट्स इधर उधर से अरेंज करवा रहा था, तो मैंने ये सोचा जब मैं ये पतंगें उड़ाऊंगा आप लोग भी मुझसे पूछोगे कि भाई आपने कहाँ से ली। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने एक आइडिया निकाला कि काइटेज्म के नाम से हमने अपना ब्रांड खोल दिया, जहाँ से आप काइट मांझा हर वैरायटी का, वैसे तो हम जो भी हमारे पास लेटेस्ट क्वालिटी आएगी वो हम अपलोड स्टोरी वगैरह कर देंगे, लेकिन किसी और को अगर किसी को भी कैसा भी मांझा किसी भी मेकर का चाहिए तो वो भी हम अरेंज करा देंगे। तो गाइज, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा, जाके फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ। इस ब्रांड को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। आप लोगों को जैसा भी, मतलब मेरा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों तक बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी पहुंचाऊं काइट्स की, ताकि जो पतंगबाजी है वो वेस्ट ना हो, मतलब बेस्ट निकल के आए। ताकि देखिए आप इस तरीके की पतंगे या फिर इससे भी अच्छी क्वालिटी की पतंगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो गाइस, फटाफट जाओ फॉलो करो, और 15 अगस्त से पहले बहुत तगड़े तगड़े उसमें ऑफर्स भी आने वाले हैं और डील्स भी आने वाली हैं, तो जाके ग्रैब कर लो जितना पॉसिबल हो सके। और बहुत जल्दी मैं गिव अवे भी अनाउंस करने वाला हूँ, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, सब कुछ इंस्टाग्राम पे होगा। सबसे पहले आपको जाना है इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पतंग में कन्ने कैसे बांधते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको दिखा दूँ पतंग। तो आप में से बहुत लोग कहते थे तुम्हारी पतंगें बेकार हैं, ये हैं वो हैं, तो आज आप पतंग चेक करो पहले। तो मैं आपको बता दूँ, ये पतंग मुझे दी हैं सैंडी भाई ने, जो कि जिनका चैनल है इंडियन काइट्स, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो लोगो, जूम कर दो अच्छे से, ये सैंडी भाई का लोगो है। तो सैंडी भाई को ह्यूज शाउट आउट, थैंक यू सो मच भाई, उन्होंने मुझे काफ़ी दी थी। देखो गाइस, मेरे से सबर नहीं हुआ, ना सारी उड़ा दी, 3-4 बची हैं, और मैं गाड़ी में आ रहा था तो मेरे से गलती से फट गई ये पतंगे। कोई बात नहीं, लेकिन ये पतंग भाई इतनी मस्त होती है, इसका कमान ठड्डा देखो, बहुत बढ़िया पतंग है। और बहुत जल्द ये अवेलेबल भी हो जाएंगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दूंगा, आप कहाँ से परचेस कर सकते हो वो सब भी बताऊंगा। तो भाई आज हम इन पतंगों पे कन्ने बांधेंगे। तो बेसिकली कन्ने बांधने का जो स्टेप है सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। देखो, दो छेद, अरे हमारी पतंग गिर गई, दो छेद ऊपर करने होते हैं, दो छेद नीचे करने होते हैं, दोनों में धागा बांधना होता है, बीच में बांधना होता है, ये तो होगा बेसिक। लेकिन आप किस तरीके से कन्ने बांधे की पतंग सुन रहे, या फिर आप किस तरीके से कन्ने बांधे की पतंग घूमे, तो मैं A to Z जितना मेरे को पता है आज तक की रिसर्च, जो मैंने जितनी पतंगें उड़ाई हैं, तो मैं आप सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि कन्ने बांधने का बेसिक रूल होता है, सबसे पहले तो एक कोई भी आप तिल्ली ले लो जिससे छेद करने हैं, हम तो जमीन में घिस के भी कर लेते हैं जैसे आप देख सकते हो, बट ये थोड़ी महंगी पतंग है इसलिए मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। ये देखो, ये भी छेद हो गए, लेकिन आप ये ऐसे कोई तिल्ली से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो गाइस, जो ऊपर के छेद होते हैं वो हमेशा ये होते हैं डायगनल में, ये देख सकते हो डायगनल में होते हैं, ये तो कॉमन रहेगा हर पतंग में, ये वाले जो छेद हैं कॉमन रहते हैं। वहीं पर जो नीचे वाले छेद होते हैं इन पर डिपेंड करता है कि पतंग में कितना वजन आएगा। जैसे कि अगर आप बाय चांस मान लो आप एक छेद आपने यहाँ कर दिया, यार ये तिल्ली मोटी है ख़राब करेगी पतंग को, मान लो आपने ये छेद दो कर दिया यहाँ पे और एक छेद आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है भाई, ये थोड़ा पतंग ख़राब हो गई मुझसे, कोई बात, तभी मैं तिल्ली से छेद नहीं करता। ये देख सकते हो थोड़ी मोटी तिल्ली थी, हटाओ इसे। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ कन्ने बांधोगे, मतलब यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, पतंग का जो वज़न है वो काफ़ी हल्का हो जाएगा और पतंग काफ़ी हल्की उड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप नीचे कन्ने बांधोगे तो क्या होगा, पतंग में वज़न काफ़ी बढ़ जाएगा और पतंग स्टेबल हो जाएगी। तो ये दो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी इसमें वेरिएशन आती है, यहाँ बांधोगे तो हल्की हो जाएगी, नीचे बांधोगे तो भारी हो जाएगी पतंग। अब देखो, ये भी डिपेंड करता है कि हवा कितनी स्पीड की चल रही है, अगर हवा काफ़ी तेज़ है तो छोटे कन्ने बांधो, क्योंकि छोटे कन्ने बांधोगे तो हवा, पतंग कंट्रोल में रहेगी हवा में।
लेकिन वहीं अगर आप बड़े बांधोगे तो पतंग इतनी भारी हो जाएगी, ऊपर से हवा तेज, कन्ने भी बड़े, तो पतंग बहुत भारी हो जाएगी, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब कम हवा चलती है तो हम बड़े कन्ने बांधते हैं ताकि पतंग स्टेबल रहे बहुत ज़्यादा, और अगर हवा ज़्यादा चलती है तो हम छोटे कन्ने बांधते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़, ठीक है गाइस। इसके बाद जब हम ऊपर जो नॉट बांधते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है, तो मैं इसमें फटाफट कन्ने बांध के दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर उसका भी बताऊँगा कि उसका क्या क्या रोल है। अनुसद्धि दियो भाई, क्या दे दिया मैगी गाइस, देखो अनुज ने कितनी खतरनाक सद्दी दी, दूसरी दे। हाँ तो गाइस ये रही हमारे पे सद्दी, तो आप देखो सबसे पहले सद्दी को आप कर लो डबल, ये देख सकते हो मैं सद्दी को डबल कर रहा हूँ, डबल सद्दी से कन्ने बांधा करो, टूटेंगे नहीं। ये देखो सद्दी ऐसे आपने डबल कर ली, उसके बाद सिंपली यहाँ से इधर से डालो इसको, बढ़िया। ये देख सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो इसको टाइट बांधना यहाँ से, ये आ गया यहाँ पर, और आप इसको सिंपली यहाँ से दोनों तरफ से निकाल के, एक दो, ठीक है। अब गाइस देखो मैं फिर समझा देता हूँ, अगर आप आगे कन्ने बांधोगे तो पतंग का वजन हल्का हो जाएगा, और पीछे बांधोगे तो टाइट हो जाएगा। बेसिकली जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं पीछे की तरफ कन्ने बांधता हूँ क्योंकि मेरे को वही सूटेबल लगता है। मैं ज़्यादा वजन की पतंग होती है तो मांझा टाइट रहता है और खींच वगैरह के पीछे बहुत बढ़िया कटते हैं, लेकिन भाई अगर हवा तेज़ हो जाए बहुत ज़्यादा तो आप लोग आगे ही बांधना कन्ने। फटाफट इसको बांधते हैं, ये देख सकते हो इस तरीके से बंध गया, ये देखा ये बंध गया। अब मेरी बात ध्यान से, कन्ने कभी इतने ऊँचे नहीं बनते, ना ही कन्ने इतने बनते हैं, कन्ने बनते हैं मीडियम। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इतने कन्ने आप बनते हैं। अब देखो इसका भी बहुत बड़ा रोल है, अगर आप जो आगे वाला है, जो आगे वाली डोर है, इसको जितना आगे ले जाओगे तो पतंग का वजन हल्का होता चले जाएगा, लेकिन वहीं आप इसको पीछे ले जाओगे तो पतंग भारी हो जाएगी। कभी भी ये गलती मत करना कि भाई जैसे ये दोनों चीज़ें, अगर ये दोनों थ्रेड बराबर हैं, बराबर होने चाहिए, उससे पीछे मत ले जाना, वरना पतंग बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी और घूमेगी नहीं। पेचे के टाइम पे पतंग घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हवा में पेचे लगते हैं तो हम किसी भी तरफ हमें उसका रुख दिखाना होता है, तो उसके लिए पतंग का घूमना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हल्के से कन्ने आप आगे की तरफ बांधो, आप देख सकते हो जो कन्नों की डायरेक्शन है, जो ट्राइंगल बन रहा है, ये हल्का सा आगे की तरफ बन रहा है, पीछे की थ्रेड बड़ी है, आगे की छोटी है। मैं आपको नाप के दिखाता हूँ, ये देखो जैसे मैंने कन्ने बांध लिए, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, ये देखो ये इससे पीछे जा रहा है, और वहीं ये जो ये वाला हिस्सा है ये भी इससे आगे, लेकिन ये इससे छोटा है, तो आप देख सकते हो कन्ने आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में क्या रहेगा, जो पतंग है वो चक्कर भी अच्छे खाएगी और स्टेबल भी रहेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा आगे की तरफ बांधे, तो मान लो आपने यूँ कन्ने बांध दिए यूँ आगे की तरफ, तो इसमें पतंग चक्कर बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगी और वज़न ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस यही कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स थी, बाकी जो मैं कन्ने बांधता हूँ, मैं थोड़े से पीछे की तरफ प्रेफर करता हूँ कन्ने बांधना, क्योंकि इससे पतंग में वजन आता है। अगर आप ढील के पीछे भी लड़ाते हो तो पतंग इजीली काटती है अपोनेंट को, एंड देख सकते हो इस तरीके के कुछ कन्ने बांधते हैं। और कोई भी डाउट हो अगर आप कन्ने से रिलेटेड, बाकी तो इस वीडियो से मेरे को लगता है आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, बस हवा पर डिपेंड करता है और पतंग पर डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ी पतंग है तो छोटे कन्ने बांध लो, अगर छोटी पतंग है तो बड़े कन्ने बांध लो, ताकि प्रॉपर उसमें वजन आ जाए, क्योंकि वजन का बहुत खेल है। अगर दो झोल खाएगी ना तो इजीली कट जाओगे। तो यही था आज का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर इसके अलावा कोई और आपको डाउट है तो नीचे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो अपने डाउट्स वगैरह, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो इसलिए एक लाइक कर देना। बाकी आज हवा बहुत कम चल रही है, इसलिए आज हम काइट फाइटिंग करके नहीं दिखा पाएंगे, बाकी अब से हम और बहुत यूनिक कंटेंट आने वाला है, जैसे कि मैंने कहा गिव अवे, बहुत सून एक गिव अवे भी अनाउंस करने वाला हूँ मैं, तो उसके लिए रेडी रहो। और बाकी हाँ, काइट एज्म को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो, और बेस्ट टू बेस्ट काइट्स दिल्ली में अरेंज कराने की जिम्मेदारी मेरी। साइनिंग आउट रियो द एक्सप्लोरर। और ये अनुज पतंगबाज बहुत बेहतरीन, हेलो अनुज पीछे देखो, हाँ। और ये बहुत भयंकर पेचा करते हुए, ये देख सकते हैं हवा नहीं चल रही गाइस, आज हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, क्या कर सकते हैं हम, बस तुम के मार आगे हवा आ गई हवा। अनुज को दिखाओ, अनुज हमारे सुपर पतंगबाज।
वो गाइस मना दिया मोर I should fuck her in the best.